राफेल और गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने पर सोलन उपायुक्त कार्यालय के बाहर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तड़ी पार नहीं चलेगा के नारे लगाते हुए अमित शाह की तरफ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने इस देश को दो दो प्रधानमंत्री दिए हैं, उनकी सुरक्षा को हटाना बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। राफेल और गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने पर सोलन उपायुक्त कार्यालय के बाहर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तड़ी पार नहीं चलेगा कि नारे लगाते हुए अमित शाह की तरफ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने इस देश को दो दो प्रधानमंत्री दिए हैं, उनकी सुरक्षा को हटाना बड़ी ही शर्मनाक बात है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से केंद्र और बीजेपी राफेल डील को लेकर प्रचार कर रही है, उसके लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक देश के चलते गांधी परिवार की एसपीजी हटवाई है। उन्होंने कहा कि जिस देश के लिए गांधी परिवार ने अपने दो सदस्यों की जान दी है, उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक देश के चलते गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई है, बेहिबे साधु पंतों और भ्रष्टाचार नेताओं को सुरक्षा देने में लगे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार को मिली एसपीजी सुरक्षा को बहाल नहीं किया जाता तो प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसके चलते उन्होंने डीसी सोलन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा कि जल्द से जल्द गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा को बहाल किया जाए। कांग्रेस ने सोलन जिला के अंदर प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन के अंदर सरकार के खिलाफ, और जैसा आप लोग देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिनों से यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर, या बिलासपुर का मामला हो, शिमला का मामला हो, और आने वाले का मामला हो, या दूसरे जिलों का मामला हो, तो केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी जो बात है हमारी दो मुख्य मांगे हैं। एक तो जो केंद्र सरकार ने और विशेष तौर पर इस देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से गांधी परिवार की जो एसपीजी खबर है उसको विड्रॉ किया, वो बड़ा निंदनीय है और बहुत शोक का विषय है और चिंता का विषय है। और इसी बात को लेकर आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी परिवार को हिंदुस्तान का आम परिवार है। इस परिवार ने इस देश को जो दो दो प्रधानमंत्री दिए, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, और जिसकी वजह से ये देश एकजुट हुआ है, उनकी एसपीजी कवर को विड्रॉल करना बहुत ही खेद का विषय है और दुख का विषय है। आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह से पूर्व में वीपी सिंह सरकार जी ने माननीय राजीव गांधी जी का जो एसपीजी कवर है उसको विड्रॉल किया था, और उसके बाद उनकी आत्मघाती दस्ते हत्या कर दी, ये बड़ी शर्म की बात है। और कई बार कई जगहों पर जिस तरह से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की सुरक्षा में चूक हुई है, ढील बरती गई है, वो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में भी उनको खतरा हो सकता है। और हम पूरा आरोप लगाना चाहते हैं कि अगर ये जो एसपीजी सुरक्षा उन्होंने विड्रॉल की है, कवर विड्रॉल की, आने वाले समय में अगर उनकी सुरक्षा को कोई खतरा होता तो उसके सरेआम जो जिम्मेवारी होगी वो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी, और ये और कुछ नहीं है। और आप देख रहे होंगे दूसरे साधु संत हैं, दूसरे उनके जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनकी, उनको इन्होंने जेड सुरक्षा और वाई प्लस सुरक्षा दी है, उनके लिए क्यों दी है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश के लिए। और दूसरी जो मांग है हमारी वो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने के लिए। पिछले काफ़ी समय से रक्षा विमान को लेकर इस देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक 526 करोड़ का जो राफेल विमान है उसको क्यों 1670 करोड़ में खरीदा जा रहा है, वो जो इतना मार्जिन है और उसके बीच का जो राजस्व है वो कहाँ जा रहा है, और जो केंद्र सरकार है उसमें जांच नहीं करवाना चाह रही। और जिस तरह से अभी आपने देखा है 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राफेल मामले पर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी जी के खिलाफ विरोध किया है, ये तो वही बात होगी उल्टा चोर कोतवाल को डालने, खुद ही चोरी करनी और खुद ही सीना चोरी। और सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई इसकी जांच कर सकती है और पार्लियामेंट अपने स्तर पर इसकी जांच कर सकती है, क्यों नहीं आप न्यायपालिका के पास जाने के बजाय, अगर मोदी सरकार इतनी सच है तो अलग अलग दलों के सांसदों की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति बनाए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये देश जानना चाहता है। तो हमारी ये दूसरी मांग है और उसी लिए आज हम यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू एकत्रित हुए हैं, और जिला ऋषि मोदे के माध्यम से हमने इस देश के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, और इसी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ, आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस्ट्रोडे के साथ। नमस्कार।